जेबी केसेस के बैनर तले धरना दे रहे। हाँ ठीक है, टाइगर जयराम महतो के दिशा निर्देश पे ही सारा चीज हो रहा था, ठीक। किसी को इसमें शक है कि टाइगर जयराम महतो के दिशा निर्देश पे आज तक जो धरना चला उसके बिना हुआ? नहीं, तो जो भी हम लोग जो डिसीजन लिए सब टाइगर जयराम महतो के दिशा निर्देशानुसार ही लिए। अब आप लोग बताए कि क्या करना, दिशा निर्देश ही चलना है। हाँ, इसके लिए टाइगर से बात हुआ, जयराम महतो के हुआ है जी। हुआ, मन हो गया बात। आदमी जयराम महतो के आदेश से ही खड़ा है, लेकिन हम लोग का कहना है कि 20 मजदूर को अविलंब ज्वाइन किया जाए, उसके बाद में बात का उसके बाद वाला बाद में होगा, ठीक है। हमारे 1.5 महीना का समय है, 1.5 महीना का समय जो है वो 75% हम लोग ग्रामीणों के जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र ग्रामीण है उसका होगा 75%, लेकिन 20 मजदूरों को अविलंब ज्वाइन होना चाहिए। मानो चुच्ची यहाँ पे चाबी से घुसा के मेरा पंचर कर दिया था, मेरा गाड़ी है, हमारा गाड़ी था यहीं थे जाती है गेलो, बुझले हमें वार्ता में ना जा पा, हमें वार्ता में ना जा पा रही हो की बेलो की ना उठक जानकारी हमका ना हो, लेकिन अभी हमका मालूम चल लो कि भाई 2 महीना के लिखित प्रमाण दे लो, लिखित दे लो ना दादा, लिखित तो कुछ दे लो ना, तो कह मतलब ऐसा हो कि मान ले लिखित कुछ दे लो, ठीक ना। 2 महीना बाद अगर हमने काम ना भे तो 2 महीना 1 दिन बाद हमने स्वतंत्र आचार के घर गिर भैया, यहाँ घर भाई 40 दिन घर ला, 40 दिन दादा घेरला ना, 40 दिन तो छोटो मोटो ना लगे दादा, हाँ गो अटे कहे 40 दिन जब हमने सबर कर ले ला, आर 2 महीना सबर करे में की है आचार संहिता लागू है तो यार चुनाव आचार संहिता तो बहुत धन्यवाद कभी करे जितना भी माई काकी जैसी दादा काका जथा जितना सब भी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आंदोलन तो शुरू होने सिर्फ 20 गो मजदूर थे, 20 गो मजदूर के दोबारा जैसे काम में रखना चाहिए, आंदोलन शुरुआत होता है। जब देखिए कंपनी वार्ता नहीं करो तो हमारे मजबूर है, कैसे हमारा नहीं 20 गो लोग हमारे गेट उट जाम करे नहीं करो तो हमारा दी है, तो हमारा नहीं मांग बढ़ा दी, हमारा 5 गो टोटल मांग रोल 75% स्थानीय के रोजगार दे, जो रिटायर्ड कर्मी हो जो मुआवजा बाकी हो और मुआवजा अविलंब देना। तीसरा चीज बोले 20 गो मजदूर जो पैसा दिल ओकरा पुनः काम में बहाल करना। चौथा चीज जो एक्ट द्वारा अवैध कब्जा करो रहा है जैसे जब क्वार्टर क्वार्टर जैसे चीज आज शेरसाद फंड के तहत जो जितना भी प्रभावित पंचायत है सभी विकास कर तो तुरन यह है इस चीज़ देखले आंदोलन टा जो है गेट जाम हमारा के लिए बहुत सिचुएशन बहुत तरह से आए, बहुत ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आए, इटा एगो हमारा बहुत बड़ा जीत है, बहुत ऐतिहासिक जीत है कि आज तक तो जब भी धरना दल है तो अभी पता है तो कि कुछ ना कुछ यहाँ घटना हला तक बाद ऊपर FIR दर्ज हला है और मामला दबी गला, मांग पूरा नहीं हला। तो आज उठिन जो हमारा अगर वार्ता है तो वार्ता थोड़ा सा टेक्निकल इशू हमारा नहीं फांसो हलिए कि कंपनी जब पहले ईटा लागू SEC अडानी टेक ओवर कर रहा तो हमारा जो 20 गो मजदूर जो रोल तो 20 गो मजदूर रोलो SEC की थी, SEC के अंदर है, अडानी का अंडर 9 को तो ये लेते हैं बाज 9 को कि एक लिए लाए थे ये अडानी कंपनी बाज 9 को SEC चूँकि ये SEC की लागू SEC से ले ला, फिर भी हमारा बहुत सारा ई कोई के जय हमारा जो अधिकारी गिला रोलो SDM साहब रोलो बहुत कॉपरेट कर लो या कोई चतरा कार्य को अधिकारी CTSP साहब रोलो एकरानी माने वास्तव में एकरानी वो हमारा झारखंडी रोला तो एकरानी बहुत कॉपरेट कर लो। आजुक जैसा सिचुएशन तक देख लिया है तो रानी ऐसा सिचुएशन है गिर लो कि कुछ भी करे कचरा को री रोलो तो जैन देखो लगे जो DSP एलो माने एकरानी इतना कॉपरेट कर लो कि DSP एलो तुरंत एक HR मैडम था धमका लो पूरा गाला गली खोल ले और जितना जैसू मजदूर जो है मजदूरों बाहर बैठा जाना तैयार हो लो कि किसी भी हालत में एक ऊपर पथराव कर
किसी भी तरह यहाँ लाठीचार्ज करा और किसी भी तरह आंदोलन को खत्म कर। लेकिन इनका को हमरा नहीं अपन धैर्य रख लिए, सभी बात मान ले, सभी शांतिपूर्वक की कर ले अड़ी रोल है। तो हमरा को जितना भी पांच गो मांग रोलो, पांच गो मांगे एचआर मैडम रोलो और एक जो सिक्योरिटी हेड रोलो कंपनी को, एक बीच वार्ता हलो, एक नहीं बोलतू कि हमरा के जो है वही बोलो डेढ़ से दो महीना के टाइम चाहिए। डेढ़ से दो महीना के अंदर हम लोग आपका जो मांग है, कुछ हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हम लोग पत्राचार करके आपको ये आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं बहुत मतलब डेढ़ से दो महीना के अंदर हम लोग पूर्ण करें। कहता है कोई के हमारा कहता है मैंने आज बात क्या इसका लिखित आपको कुछ कंपनी से मिला है? हाँ, लिखित दिया है, उसमें एचआर मैडम साइन की है और उनका जो सिक्योरिटी हेड है वो लेटर पेड में नहीं देगी, जो ये सब ये होता है वो देखिए। इसमें जो था और एक चीज़ था, दूसरी चीज़ देखिए, हम लोग थे यहाँ से जो हम लोग गए थे वार्ता करने गए थे, उसमें हम लोग पांच आदमी जो थे उसमें से चार मजदूर थे। मजदूरों का भी राय हमने जाना, यह हमारा खुद का डिसीजन नहीं था, क्योंकि देखिए हम जो यहाँ पे थे, हम थे मजदूरों के हित के लिए आए थे। मजदूरों का जो हित था उसके लिए हम लड़े, उतना दिन हम संघर्ष किए, वो आप लोग देखे कि हम किस तरह संघर्ष किए, रात दिन हम भी रहे इनके साथ थे। तो मजदूरों का डिसीजन में जब उन्होंने अपनी बात रखा, हम लोग बाहर निकले, बाहर निकल के मजदूरों से पूछे कि आप लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं, मजदूरों ने कहा कि नहीं ठीक है, हम लोग इससे संतुष्ट, बस यही है बात। हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आशीष हम आपसे कहना चाहेंगे कि कंपनी का देखिए सिस्टम इतना कमजोर तो नहीं है कि आपको एक सारा कागज में लिख के दे दिया, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक बिल होना चाहिए। तो मैंने टीम की तरफ से ये बोल रहे हैं, जहाँ तक है ये भूल भुलावा वाला चीज है। ये आशीष का हमको लगता है कि क्या बताइए? हाँ, कुछ नहीं है इसका भूल भुलैया है, ये उचित नहीं है। आराम से आराम, एक आदमी बोलिए, हम लोग रात भर बैठेंगे, उतना दिन बैठे तो और भी रात भर इस सिस्टम देगा तो भी काम होगा। हाँ, शांति से तोर मन में सवाल उठ लेगा तो ही करो। पढ़िए जी, पढ़िए, हाँ पढ़ दीजिए, जोर से पढ़िए। आज दिनांक 5/1/2024 को नियोजन एवं अन्य पांच सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन एसएससी प्लांट गेट जाम के संबंध में वार्ता संपन्न की गई, जिसमें एसएससी प्रबंधक को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को पूर्ण करने हेतु दी गई है। एसएससी प्रबंधन एचआर मानव संसाधन विभाग के द्वारा लगभग दो महीना के अंदर सभी मांगों को पूर्ण करने हेतु अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से पत्राचार एवं सभी आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। एसएससी प्रबंधक एचआर के द्वारा नियोजन देने के संबंध में सहयोग एवं आश्वासन के उपरांत आज दिनांक 5/1/2024 के संध्या से अनिश्चितकालीन गेट जाम धरना वापस लेता हूं। आशीष कुमार महतो और जो इन लोग चार मजदूर थे उनका साइन है, आपका इधर देख लीजिए, SCCHR। अरे एचआर का साइन नहीं, हाँ एचआर, एचआर का ही साइन है, एचआर जो होता है ना, उस समय जो ह्यूमन